ये ब्रिजभूषण सिंह के आपराधिक इतिहास का बैनर है। यहाँ पर उनके ऊपर जितने भी एफआईआर नंबर, सीरियल नंबर, एफआईआर नंबर और धाराएं और कौन से थाने में धाराएं लगी वो सब भी इसमें बताया गया है। और एक उधर तरफ है आप देखेंगे वहां पे साक्षी मलिक, बजरंग पुरिया और विनेश फोगाट, इन तीनों के मेडलों की लिस्ट लगी हुई है और उन्हीं के बाजू में ब्रजभूषण शरण सिंह की पूरी जो आपराधिक हिस्ट्री है उसके बारे में, यानी कि कंपेरिजन बताया गया बेसिकली कि भाई जो देश के लिए जिन्होंने मेडल जीते उनकी लिस्ट कितनी लंबी है। 41 साक्षी मलिक के मेडल हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह पर 38 मामले दर्ज हैं। अब इसमें धाराएं भी बड़ी गंभीर हैं, किडनैपिंग की धाराएं हैं, चोरी की धाराएं हैं, मर्डर की धाराएं हैं, गैंगस्टर एक्ट है, आर्म्स एक्ट है और पॉक्सो एक्ट तो अब लगेगा जब एफआईआर के बाद। तो वहां पर ये देखिए इतनी सारी धाराएं, 302 भी है, यहाँ पे 307 है, गुंडा एक्ट भी है, यहाँ पे आर्म्स एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, आईपीसी की सारी, मतलब ऐसा लग रहा है कि लगभग कानून की सारी आईपीसी की धारा इन पर लग चुकी हैं। ये एफआईआर के नंबर है, सीरियल नंबर है और ये है थाने, किस किस थाने में कौन कौन सा केस दर्ज है। नवाबगंज, बहादुरपुर, अयोध्या, फैजाबाद, जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, मतलब हर जगह, यूपी का पूरा ऑलमोस्ट इनका सारा है। तो इतनी सारी धाराएं, यानी कि 38 मामले इस इंसान पर दर्ज हैं। WFI चीफ हैं ये। और अब ये देखना है कि भाई आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, ये आप लोग का डिसीजन है कि जिन्होंने देश के लिए मेडल लाए वो लिस्ट को सपोर्ट करेंगे या फिर आप इनको सपोर्ट करेंगे जो जिन पर 38 मामले दर्ज हैं। आप अपनी राय जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है और आप किसके सपोर्ट।